30 दिनों के बाद श्रीनगर ले राजमार्ग को ट्रायल बेसिस पर वाहनों के आवागमन के लिए फिर से खोल दिया है। अधिकारियों ने बताया कि 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग को इस साल फरवरी में भारी बर्फबारी के बाद बंद होने के बाद बुधवार को 30 दिनों के रिकॉर्ड समय में वाहनों के आवागमन के लिए ट्रायल बेसिस पर फिर से खोला है। बीकन के कर्मचारियों ने जोजिला दर्रे और अन्य संवेदनशील बिंदुओं पर बर्फ को रिकॉर्ड समय में साफ किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क वाहनों के आवागमन के लिए खुली रहे। ये सड़क रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये श्रीनगर को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। सड़क के फिर से खुलने से क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुविधा होगी जिससे रमजान के पवित्र महीने में स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। जोजिला दर्रा भारी बर्फबारी के कारण 18 फरवरी 2024 को बंद कर दिया गया था। पिछले साल औसतन 68 दिनों की तुलना में इस साल सड़क 30 दिनों के बंद होने के बाद खोल दी गई है। 11,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला एक रणनीतिक दर्रा है जो कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है और सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की कुंजी है। पहले तो हम आप मीडिया फैकल्टीज का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दर्रा जोजिला पे आके इन चीजों को हेडलाइट करते हो। तो उसके साथ साथ जो है हमारी दोनों टीमें जो ग्रिफ हो या विजय हो कारगिल साइड से और श्रीनगर साइड से जो ग्रिफ काम कर रही है इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक महीना दो दिन के अंदर इस रोड को जो है वो थ्रू किया जोजिला को दर्रे जोजिला को। तो आज जो है लद्दाख से लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ गाड़ियों को यहाँ पे चलने की इजाज़त दी जिसमें 4x4 गाड़ियाँ 36 गाड़ियों को यहाँ पे चलने की इजाज़त दी। गाड़ियों रोड में थोड़ी सी कुछ चंद प्रॉब्लम्स है, स्लेडिंग का एवलांश का थोड़ा खतरा है और हवा चलने पर रोड पर बर्फ थोड़ा ज़्यादा आता है तो इस वजह से जो है 4x4 गाड़ियों को यहाँ पर इजाज़त दी गई है। तो हम जो है लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ से रिसीव करने के लिए DSP ट्रैफिक का यहाँ श्रीनगर से आया हुआ है तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आने वाले वक्त में एक या दो दिन में इन गाड़ियों को रवानगी भी करेंगे। कल ही इंशाल्लाह हमें यहाँ से रवानगी होगी। तो हम दोनों तरफ की जो है एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि लद्दाख में जो है इस वक्त एसेंशियल कमोडिटीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम्स है जैसे कि आटा हो या हमारे पास चावल हो, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है फ्रेश के रिलेटेड हो, बहुत सारी चीज़ों की काफ़ी दिक्कतें हैं। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एकदम उठाया कि हमारी यहाँ की जो है 30-40 गाड़ियों को जो 4x4 है उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी है। सभी को मुबारकबाद। इस बार जोजिला में इतिहास रचा गया है। इस बार जोजिला हमने 30 दिनों के भीतर खोल दिया है और अभी जो जोजिला हमने खोला है वो ट्रायल बेसिस पे खोला है और अभी ये वन वे है। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्द हम इसे टू वे कर सकें। इसको खोलने के लिए हमारे ऑपरेटर्स हों चाहे हमारे CPLs हों, सभी ने दिल जान लगा के काम किया है और 30-30, 40-40 फीट जो बर्फ की हाइट है उनको काटा है और हमारी मशीनरी आज भी जोजिला पे लगी हुई है और जब तक हम इसे टू लेन नहीं कर सकते कर रहे हैं तब तक हम अपनी मशीन यहाँ पे लगा के रखेंगे। जोजिला का सफाई का काम पिछले महीने 18 फरवरी को जब जोजिला बंद हुआ था उसके बाद से जो बर्फ का एक्युमुलेशन इस पे बढ़ता गया और हमने 9 मार्च पे जोजिला पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। 9 मार्च में काम करने के बाद और हमने 20 मार्च को इसको खोल दिया।